दोस्तों रक्षाबंधन आने वाला है और कोई भी कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बाहर की मिठाई नहीं खाना चाहता, तो इस रक्षाबंधन आप अपने भाई के लिए घर में ही बनाइए चॉकलेट बॉम्ब की रेसिपी, और बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी, हर बार आपके भैया कहेंगे कि इसे ही बना खिलाएं। और आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लाई हूँ ना ये यूट्यूब पर है ना ही किसी हलवाई की दुकान पर, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू गरिमास रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट बॉम्ब की रेसिपी लाई हूँ। तो इसके बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप मिल्क पाउडर लिया है। आप किसी भी एक चाय वाले कप से या किसी भी कप से आप इसे मेजर कर लीजिए। तो मैंने 1 कप तो यहाँ डाल दिया है और 1/2 कप मैं और डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने चाय वाला कप ही लिया है जिससे आपको आसानी हो समझने में। तो मैंने 1.5 कप मिल्क पाउडर ले लिया है, फिर 2 चम्मच कोकोआ पाउडर इसमें ऐड कर लेती हूँ। ये चॉकलेट का बहुत अच्छा टेस्ट देता है। मैं मिला लेती हूँ इसे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसमें हमें 1/2 कप दूध डालना है। इसे दूध डालकर इसका एक हमें घोल तैयार कर लेना है, बैटर बना लेंगे। बिल्कुल केक जैसा बैटर बनेगा इसका। मैं इसे बना लेती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसका घोल बना दिया है। और अब हमें इसे एक तरफ रख देना है और हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें 1 चम्मच घी डाल लिया है। घी को थोड़ा सा गर्म करने के बाद एक पूरा कप भर के मैंने कंडेंस मिल्क लिया है। ये होममेड कंडेंस मिल्क है मेरा। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए कि बिना दूध के हमें कंडेंस मिल्क कैसे बनाना चाहिए, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। 5 मिनट चलाने के बाद अब हम इसमें मिल्क पाउडर और कोकोआ पाउडर का जो हमने घोल बनाया था डाल देंगे। इसे ऐड कर लिया है मैंने और इसे अब कंटिन्यू चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक हमें इसे चलाना है। ये बिल्कुल थिक हो जाएगा और एक डो की तरह हो जाएगा। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट तो हो चुके हैं और ये काफ़ी थिक हो गया है। आगे देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। मैं इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दूँगी 1/2 चम्मच जितना, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। ये काफ़ी थिक हो चुका है, बिल्कुल डो के फॉर्म में आ चुका है। ये देखिए दोस्तों मैंने अच्छे से इसे गाढ़ा कर लिया। मैंने 2 चम्मच तक इसमें अखरोट लिया है और हम इसे थोड़ा सा अच्छा और थिक करके गैस बंद कर देंगे। और अब हमें इसे ठंडा करना है। देखिए दोस्तों मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और अब मैं इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और फिर आगे हम लोग इससे बॉल्स बनाएंगे। मैंने फ्रिज में से इसे निकाल लिया है, 15 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी ठंडा हो गया है। अब हमें इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। और यहाँ पर मैंने चॉकलेट को ग्रेट किया है, ये कोकोनट पाउडर और ये आलमंड को चॉप कर लिया है। तो हम अलग अलग तरीके के बॉल्स बनाएंगे। तो पहला मैं चॉकलेट्स में इसको लपेट रही हूँ बॉल्स को, और एक और बॉल बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस बॉल को मैं आलमंड लगा रही हूँ और एक और बॉल बना देती हूँ। देखिए इसे मैं कोकोनट में लपेट देती हूँ और इसी तरीके सारे बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने सभी बॉल्स बना लिए हैं, बहुत टेस्टी बहुत यमी, और बाजार में भी आपको ये मिठाई नहीं मिलेगी। बहुत गजब की लगती है, जब आप इसे खाएंगे तो आपको सच में ऐसा लगेगा कि चॉकलेट का बॉम्ब ही किसी ने मुंह में फोड़ दिया है। बहुत टेस्टी लगने वाला है ये। तो दोस्तों इस रक्षाबंधन पर आप ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं, अपने भाई को घर वालों को खिलाएं। और अगर आपको ये चॉकलेट बॉम्ब की रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपने ये चॉकलेट बॉम्ब की रेसिपी बनाई है या नहीं। थैंक यू सो मच।